गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास स्टार्ट यूकेजी सब्जेक्ट इंग्लिश एंड टुडेज आवर टॉपिक लुक एट द पिक्चर एंड राइट दिस और दैट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे पिक्चर को देखना है और फिर दिस और दैट लिखना है, ठीक है, जहाँ पे ब्लैंक होगा। तो भाई यहाँ पे तो मैंने कुछ पिक्चर अभी डाला ही नहीं है, कोई पिक्चर तो है नहीं, तो कहाँ डालेंगे। तो बच्चों, मैं यहाँ पे पिक्चर के साथ क्वेश्चन लिखने जा रही हूँ, अब ध्यान से देखना। मेरे पास बुक नहीं है जिसके कारण मैं बोर्ड पे पिक्चर बना के और तब समझाऊँगी, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। Dash is a tree. Okay, फिर सेकेंड में आ जाओ। Dash is a kite. ये क्या चीज का पिक्चर है? बैट है, ठीक है ना। तो डैश इज ए बैट। डैश इज ए बॉल। मैंगो है। डैश इज ए मैंगो। स्टूडेंट्स, इसमें करना ये है कि यहाँ पे जो मैं ब्लैंक दी हूँ उसमें आपको दिस और डैट दोनों में से एक लिखना है। तो कैसे पता चलेगा किस में कौन होगा? तो देखो, जो भी पिक्चर हमारे नियरेस्ट है, नज़दीक है, उसमें हम दिस लिखेंगे एंड जो फार है, दूर है, उसमें डैट लिखेंगे। तो ये देखो, ये जो है हमारे ब्लैंक के नज़दीक है ना, इससे हम पता कर लेंगे। ऐसे में हम लोग के सामने, हम लोग के बगल में, एकदम हम लोग के पास में जो भी थिंग होगा, जो भी चीज़ होगा, जैसे अभी मार्कर के देख लो, ये मेरे पास में है तो मैं बोल सकती हूँ दिस इज़ ए मार्कर, बट बोर्ड हम मेरे से दूर है तो हम उसको क्या बोलेंगे? डैट इज़ ए ब्लैक बोर्ड, डैट इज़ ए वाइट बोर्ड। जो भी बोलना होगा, जो भी थिंग होगा, उसको हम डैट के साथ यूज़ करेंगे क्योंकि वो हमसे फार है। तो वैसे ही यहाँ पर ब्लैंक के साथ देखेंगे तो ब्लैंक के पास क्या है, यहाँ पर क्या बोलते हैं ना, ट्री है ब्लैंक के पास। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस इज ए ट्री, ठीक है। और यहाँ पे ब्लैंक के पास तो नहीं है, ये क्या काइट थोड़ा सा फार है ना इससे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? डैट इज ए काइट, वह काइट है। फिर यहाँ देखो, वह पतंग है। फिर देखो, बैट है, नियर है, तो इसको लिखेंगे दिस लिखेंगे। फिर बॉल जो है फार है, तो इसमें डैट लिखेंगे। फिर मैंगो नियर है तो दिस लिखेंगे। तो आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, और जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं वो वीडियो को रिपीट करके समझ लें। आज के लिए इतने ही बच्चों, इसको अपने कॉपी में नोट कर लो और ये आपका होमवर्क हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।